बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आफ्ताब, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्ताब फुटनोट्स। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आप सभी को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। दोस्तों काफ़ी ढेर सारी बातें करनी है आप सभी से, लेकिन अभी क्या है, इशा का वक्त हो गया है। ये ठीक सामने जो है मेरी मस्जिद है, यहाँ पार्क एरिया में आया हूँ मैं, तो चलते हैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं इस मस्जिद में, और इंशाल्लाह नमाज़ के बाद से आपसे ढेर सारी बातें करते हैं। बहुत ही प्यारी मस्जिद है माशाल्लाह, यहाँ पर नमाज़ अदा की हमने। लेट्स गो। ये देखें दोस्तों, मक्का में अजीज़िया के पास बहुत ही प्यारा सा ये पार्क है। वीकेंड में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश होती है, लेकिन ये वीक डेज़ है तो काफ़ी कम लोग यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ठीक सामने यहाँ पे क्लॉक टावर है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये देखें यहाँ पे क्लॉक टावर है, जमजम टावर है। ठीक है, और ये यहाँ पे कुछ इमारतें आपको दिखाई दे रही होंगी, ऊपर ग्रीन लाइट जल रहे होंगे। ये इसको बोलते हैं अबराज अल हदाया टावर्स बोलते हैं। ये अजीज़िया के मेन सेंटर में है। ठीक है, उसके पीछे साइड में पूरा अजीज़िया की बिल्डिंग्स हैं, और आगे साइड में पूरी अजीज़िया की बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पे जो भी हाजी लोग आए होंगे हज करने के लिए, उनको पता होगा ये अल हदाया के बारे में। यहाँ पे आपको बीच से ही निकल करके बिल्डिंगों के साइड में जाना होता है, और ये रास्ता सीधे जाएँगे आप तो ये आ जाएगा मुज़दलिफ़ा। इस साइड में ये मुज़दलिफ़ा है, और आगे साइड में देखेंगे यहाँ पे है मक्का मॉल। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है, ये बच्चों के लिए काफ़ी बेहतर है, बच्चे यहाँ पे खूब आकर के एंजॉय करते हैं, पूरा भरा रहता है वीकेंड में। आराम से बैठते हैं गाड़ी में और फिर बात करते हैं आप लोगों से। हाँ जी, तो गाड़ी में आके बैठ गए हैं। बाहर थोड़ी जनरेटर की आवाज़ आ रही थी, काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो मैंने कहा सुकून से गाड़ी में बैठ के आपसे बात कर सकते हैं, और मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है तो उसके लिए माजरत, थोड़ी सी आवाज़ थोड़ी सी डाउन आपको नज़र आएगी। खैर बहरहाल, बात कुछ यूँ थी कि क्या आपको पता है कि दुनिया में दो चीज़ें ऐसी हैं जिसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना होता है, बहुत मेहनत नहीं करनी होती है, और वो काम करने से आपको रिवॉर्ड मिलता है। जो पहली चीज़ है वो है काबा शरीफ को देखते रहना, काबा शरीफ को निहारते रहना। सपोज़ आप हरम शरीफ गए हुए हैं, ना आप सही कर रहे हैं, ना उमरा कर रहे हैं, ना तवाफ़ कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक जगह कोने में बैठे हुए हैं और आप काबा शरीफ को देख रहे हैं बड़े ही प्यार से, और अपनी दुआओं को मांग रहे हैं। इस काम को करने से आपको सवाब मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी अच्छी बात है ये। और जो दूसरी चीज़ है वो है वालिदैन। आप अपने अपने वालिदैन से आपकी मुलाकात होती है, एक आप प्लीजेंट स्माइल के साथ, एक अदब के साथ अपने पेरेंट्स से मुलाकात करते हैं, उनकी हाल खैरियत पूछते हैं, उनको निहारते हैं, उनको देखते हैं, देख करके खुश होते हैं। इस चीज़ का अल्लाह ताला आपको जो है अजर दे रहा होता है, आपको इसका सवाब दे रहा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने वीडियो के लास्ट में हमेशा ही कहता हूँ कि माँ बाप की खिदमत करें, क्योंकि माँ बाप की खिदमत इतनी ज़रूरी चीज़ है। आप खुद समझें कि उन लोगों ने कितनी ज़्यादा सेक्रीफाइस करी। आप किसी का भी एग्जांपल ले लें, आप अपने घर का एग्जांपल ले लें, आप खुद सोचें कि पेरेंट्स जो है कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, कितना एफर्ट डालते हैं हम लोग को छोटे से लेकर के और इस मकाम तक पहुँचाने में, कितनी दुआएं मांगते हैं, कितना ज़्यादा परेशान होते हैं। ये चीज़ जब ही समझ में आती है जब इंसान एक पेरेंटिंग मोड में आता है, जब आप खुद वालिद बनते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपके वालिद जो है, आपके वालिदैन जो है कितना ज़्यादा परेशान हुए होंगे आपको यहाँ तक पहुँचाने में। एक छोटा सा वाक्य आपको बताते हैं कि करीब 4-5 महीने पहले मेरे वालिदैन भी यहाँ मक्का में आए हुए थे। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं मक्का में हूँ तो काश मेरे पापा मम्मी भी जो है यहाँ पर आते, उनके साथ मैं बैतुल्ला का तवाफ़ करता, साथ में उमरा करता, ढेर सारी इबादतें करता, क्योंकि कोविड के दौर में तो सब कुछ बंद था, कोई आ नहीं सका था यहाँ पे। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इस चीज़ को पूरा भी किया। पापा मम्मी जो है 4-5 महीने यहाँ पे पहले आए हुए थे, और मैं ये देखा कि पापा जो है पहले हज कर चुके हैं, उमरा कर चुके हैं, कई मरतबा यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन जो उनकी शिद्दत है ना काबा शरीफ के साथ जो लगाव है, वो चीज़ मैं किसी में, मतलब मुझे देखने को नहीं मिलता है। वो सुबह हो शाम हो हर वक्त जाने के लिए एकदम तैयार रहते थे कि बस तुम मुझे छोड़ दो वहाँ पे, मैं जा कर के वहाँ पे काबा शरीफ का तवाफ़ करूँगा, वहाँ पे बैठा रहूँगा, वहीं पे इबादत करता रहूँगा अपना। और वैसे ही करता था मैं पापा को रोज़ सुबह ले आकर छोड़ दिया करता था, कभी शाम में छोड़ दिया, शाम में चला गया उनके साथ जा कर के तवाफ़ कर रहे हैं, उमरा कर रहे हैं, काफ़ी इबादत करने को मिला अल्हम्दुलिल्लाह। और उनको पता भी नहीं होता था कि मैं कभी कभी ना उनका थोड़ा सा एक होता है ना कि एक मेमोरी के तौर पे उनका मैं थोड़ा सा शूट कर लिया, थोड़ी सी एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली। फिर बाद में ख्याल आया कि चलो एक काम करते हैं, वीडियो को जो है कंपाइल करके ना कि थोड़ा सा एक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि बड़ा ही इमोशनल वो था, तो मैंने कहा चलो बना करके पोस्ट करते हैं।
आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी वीडियो है वो। लेकिन हुआ क्या कि तकरीबन 20 दिन के आसपास में रहे वो, और फिर किसी वजह से उनको जाना पड़ा वापस इंडिया। तो दिल में एक कसक सी रह गई कि अरे यार, उतना जितना चाहता था मैं उतना मैं कर नहीं सका, जितना साथ उनका चाहिए था मुझे यहाँ पे मक्का में उतना नहीं हो सका। तो फिर से मैं अल्लाह ताला से इतनी दुआएं करने लगे, अल्लाह मतलब दिल से ख्वाहिश है कि एक बार और पापा मम्मी आए और यहाँ पे फिर से उनकी खिदमत करने को मिले, साथ में सारी चीज़ें जो भी हैं वो करने को मिले। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पापा मम्मी जो है वो आ चुके हैं मक्का में, मेरे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत ही खुशी की बात है, ये खुशी की बात है आपके साथ शेयर करना था। अल्लाह ताला ने एक फिर से मुझे मौका दिया है पेरेंट्स को, पेरेंट्स की खिदमत करने के लिए। होता क्या है, हम लोग बाहर रहते हैं, बचपन से ही बाहर रहे तो उतना खिदमत करने को नहीं मिल पाता है। जब इंसान घर पे जाता है बस वही मौका मिल पाता है। लेकिन आप जब बाहर में हैं और आपके पेरेंट्स वहाँ पे आते हैं, जब उनके साथ आपके साथ में रहते हैं, तो आपको ज़्यादा मतलब वक्त मिलता है कि आप पेरेंट्स के साथ वक्त गुजार सकें, उनकी खिदमत कर सकें। तो यही है, एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है मेरे लिए। आप सबकी दुआएं हैं कि मेरे वालिदैन जो है यहाँ पे मेरे साथ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि आप सभी जो है अल्लाह ताला ऐसी तौफीक दें कि आप सभी बैतुल्लाह का तवाफ़ कर सकें अपने वालिदैन का हाथ पकड़ करके। तो दोस्तों अभी आ गया हूँ मैं अलबीर हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल एक प्राइवेट हॉस्पिटल है अलबीर, जो कि अजीज़िया में है। और पिछले 10 दिन पहले मैंने कुछ टेस्ट कराए थे और पिछले 7 दिन से इंतज़ार कर रहा हूँ मैं कि थोड़ा सा मुझे वक्त मिल जाए तो मैं जा करके अपना रिपोर्ट जो है वो ले लूँ और डॉक्टर को दिखा लूँ। लेकिन सोचें, मुझे एक हफ्ते से मुझे इतना भी वक्त नहीं मिला कि मैं जा करके अपना रिपोर्ट ले सकूँ। तो खैर, मैंने इस बार ठान लिया कि आज रात के 1 बजे या 2 बजे मुझे जा करके रिपोर्ट लेना है, और डॉक्टर अगर बैठे होंगे तो उनको दिखाना भी है। तो रात के 11:15 बज रहे हैं तकरीबन, और यहाँ पे है वो ऑफिस है जहाँ से रिपोर्ट जो है कलेक्ट करना है। ये इसकी पूरी फार्मेसी है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। अगर हाजी लोग आते हैं यहाँ पे दिखाने के लिए तो चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जिन लोगों के इंश्योरेंस होते हैं उनके लिए चार्जेस जो है वो नॉमिनल होते हैं। तो आइए चलते हैं, रिपोर्ट लेते हैं, और अगर पूछ लेंगे डॉक्टर बैठे होंगे तो वहाँ पर भी डॉक्टर को भी दिखा लेंगे अपना रिपोर्ट। यस, ही इज़ अवेलेबल। यस, ही इज़ हियर। सो आई नीड टू द रिसिप्ट फ्रॉम देयर फॉर डायरेक्टली आई कैन गो। ओके, थैंक यू सो मच। जी अल्हम्दुलिल्लाह, रिपोर्ट भी ले लिया और डॉक्टर जो है बैठे हुए थे तो डॉक्टर को भी दिखा दिया मैंने। कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, अल्लाह करे दवाइयों से वो चीज़ ठीक हो जाए। अभी हमारे हक़ में दुआ करें, अल्लाह ताला खैर आफियत का मुझे भी रखे। और दूसरी बात और कि यहाँ पे एक हाजी साहब आए हुए थे अपने बच्चे को लेकर के, वो उमरा करने के लिए आए हैं पाकिस्तान से। सो बेसिकली बच्चे को जो है वॉमिट हो रहा था और फीवर था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन यहाँ कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट रात के 12 बजे बैठा नहीं था, और जो डॉक्टर बैठे हुए थे उन्होंने बोला कि मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं हूँ तो मैं नहीं देख सकूँगा इनको। तो वो बेचारे काफ़ी मायूस हो गए। तो मैंने सोचा कि अब मैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई हॉस्पिटल है यहाँ पे, तो मैंने उनको बताया यहाँ पे मैटरनिटी एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है मक्का में, जहाँ पे बच्चों को इमरजेंसी में लेकर के जा सकते हैं। बेचारे परेशान थे काफ़ी। मैंने कहा कि एक काम करें, रात के 12 तो बज रहे हैं, लेकिन चलें मैं आपको जो है वहाँ पे लेकर चलता हूँ और जो भी बच्ची का दिखाना है वो चल करके दिखा देते हैं। मैंने कहा कि आप बस 5 मिनट इंतज़ार कीजिए, मुझे बस डॉक्टर्स को मुझे दिखाना है, दिखा करके मैं फ़ौरन 5 मिनट में निकल चलता हूँ मैं। तो खैर, मैं डॉक्टर को दिखाया अपना जो कुछ भी, डॉक्टर ने मेडिसिन पर जो कुछ भी लिखा, फिर मैं उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह ये डॉक्टर जो है मान गए हैं कि ये कुछ दवाइयाँ एटलीस्ट इतनी दे देंगे कि बच्ची का जो है उल्टी वगैरह है और जो फीवर वगैरह है वो कम हो जाएगा। जनरली अगर वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है तो वो नहीं देखते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो मान गए, वो कुछ मेडिसिन इंशाल्लाह दे देंगे, वो बच्ची ठीक हो जाएगी। तो यही है, अगर किसी को इमरजेंसी में जाना है तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर जाता है वो हाजी, तो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उनको जो भी इलाज वगैरह करना होगा वो सब चीज़ें हो जाएंगी। अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में आएंगे तो यहाँ पे चार्जेस भी ज़्यादा लगेंगे, और इलाज तो खैर हो ही जाएगा लेकिन चार्जेस ज़्यादा लगेंगे, काफ़ी ज़्यादा लगेंगे उसमें। तो कोशिश करें कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिल सकता है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएँ, वहाँ जा करके इलाज करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके हक़ में। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ काफ़ी कुछ शेयर किया मैंने, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस को देखने के लिए। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला खैर आफियत के साथ रखे मुझे, दुनिया के सारे मुस्लिमीन को। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, बहुत जल्द मिलेंगे। तो चलें फिर, बड़ों की इज्जत करें, माँ बाप की खिदमत करें, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
ये देखें दोस्तों माशाल्लाह कितना खूबसूरत मंजर है। क्लॉक टावर पूरी तरीके से बादलों में ढका हुआ है। रात के बज रहे हैं तकरीबन 12:15 होने वाले हैं, 12:10 हो रहे हैं। और ये देखें ये पूरा हिस्सा जो है ये ऊपर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बादलों के अंदर है माशाल्लाह। बहुत कम वक्त होता है ऐसा जो कि इस तरीके से ये नज़ारा जो है वो देखने को मिलता है कि पूरे काले बादल हैं और बादलों के बीच में क्लॉक टावर।